अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो साइंस में आपका चैप्टर है वो है लिविंग थिंग्स। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिविंग थिंग्स होती क्या है। लिविंग किसी भी लिविंग थिंग की, लिविंग थिंग कहते हैं किसी भी जानदार को। उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज, पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, मतलब उनकी साइज में चेंज आता है, ठीक है। एंड द सेकेंड जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखें, आप ह्यूमन बींग्स, हम इंसान क्या है, ह्यूमन बींग्स है ना, तो हम भी लिविंग थिंग हैं। हमारे सराउंडिंग में आपने देखे होंगे बहुत सारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, तो वो भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने अपनी सराउंडिंग्स में बहुत से ट्रीज देखे होंगे, बहुत से प्लांट्स देखे होंगे, ये सारी लिविंग थिंग्स हैं। आपने देखा होगा ना कि ट्रीज कैसे ग्रो करते हैं, एनिमल्स ग्रो करते हैं, छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं। हम ह्यूमन बींग्स, हम पहले छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, हमारी साइज में ग्रोथ आता है, हम अपने से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज है लिविंग थिंग्स की, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ज़मीन पर बहुत से टाइप्स के लिविंग थिंग्स हैं। कुछ को अपनी आँख से देख सकते हैं और कुछ को नहीं भी देख सकते। आप ह्यूमन बींग्स को अपनी आँख से देख सकते हैं, एनिमल्स को देख सकते हैं, प्लांट्स को देख सकते हैं, बट कुछ इतने टाइनी लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको अपनी आँख से नहीं देख सकते। उसके लिए कुछ और चीज़ों का यूज़ किया जाता है। एक टूल होता है जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ की जाती है उन छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए जो आपको नज़र नहीं आती, ठीक है। फिर उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि आपने सुना है कि प्लैनेट्स कितने हैं। 9 प्लैनेट्स हैं। ज़मीन, अर्थ, जो हमारी अर्थ है वो भी उन प्लैनेट्स में से एक है। लेकिन जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सिर्फ हमारी ज़मीन पे प्रेजेंट है, अर्थ पे प्रेजेंट है, कहीं और प्रेजेंट नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी दो चीज़ें वजह हैं। फर्स्ट वाटर, दूसरी ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना हो और वाटर ना हो तो इस ज़मीन पे भी कोई लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकता। तो किसी भी लिविंग थिंग की ये दो बेसिक नीड्स हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन और दूसरी वाटर। ये दोनों बेसिक नीड्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। और लिविंग थिंग्स ऑब्वियसली फूड भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्लाइड में, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है लिविंग थिंग्स नीड एयर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हवा की ज़रूरत, एयर की ज़रूरत कितनी होती है किसी भी लिविंग थिंग को। अब देखिए, आप सांस लेते हैं ना, ब्रेथ करते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं, सांस लेने के अमल को ब्रीथिंग कहा जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने अंदर, अपने जिस्म के अंदर इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस को, ठीक है। और हम फूड भी खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं ना। अगर आप सांस ना लें और आप फूड खाते रहें तो उस फूड का कोई फायदा नहीं है। आप खाना खा रहे हैं लेकिन आप सांस नहीं ले रहे ना, तो इस फूड से हमें कोई ताकत नहीं मिल सकती। जब आप सांस ले रहे होते हैं तो उसके दौरान ये जो आप खाना खा रहे होते हैं ना, इसमें से एनर्जी बनती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? जो ऑक्सीजन गैस आप इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, उसके थ्रू ये जो मीन्स खाना है, आपका जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, और उसमें से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और फिर वो एनर्जी हम किसके यूज़ करते हैं? हम मूवमेंट के लिए, हम बहुत सारे वर्कआउट करते हैं, आप स्कूल आते हैं, आप घर के काम करते हैं, आप होमवर्क कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की। और ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? एक तो फूड से, ऑब्वियसली फूड ज़रूरी है, लेकिन वो उस फूड से भी हमें एनर्जी तभी मिलेगी जब हम सांस भी ले रहे होंगे। तो मतलब फूड भी ज़रूरी है और उसके अलावा एयर एयर भी ज़रूरी है, क्योंकि एयर में हमारे पास क्या होती है? ऑक्सीजन। एयर में और गैसेस भी होती हैं लेकिन हम ह्यूमन बींग्स जो ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं वो ऑक्सीजन है। एक और गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो होती है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, या हम एनिमल्स भी, जो हमारे सराउंडिंग्स में एनिमल्स पाए जाते हैं वो भी ब्रीथिंग के लिए जो कहते हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। आपने देखा कि फिश, चलो यहाँ तो एयर है तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हम मतलब बाहर हैं। अब एनिमल्स जो होते हैं ना, वो दो किस्म के होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं, कुछ होते हैं टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन पे रहते हैं। अब हम लोग तो ज़मीन पे हैं, हमारी सराउंडिंग में एयर है तो वहाँ से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। लेकिन अब कन्फ्यूजन यह हो जाती है कि जो एक्वेटिक है, मतलब जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो ये जो हमारे एयर में मतलब प्रेजेंट है ना ऑक्सीजन, वो डिजॉल्व हो जाती है। कहाँ पर डिजॉल्व होती है? वाटर में,
समंदर के पानी में, दरियाओं के पानी में, वहाँ पे ये डिसॉल्व हो जाती है। तो इसीलिए ये जो ऑक्सीजन, मतलब फिशेस, फिशेस आप पता है फिशेस पानी में होती हैं, तो वो पानी में भी सांस ले रही होती हैं, वो पानी में भी अपनी ऑक्सीजन हासिल कर रही होती हैं। वो ये ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करती हैं? वो जो एयर में, हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है, पानी के साथ मिल जाती है। और फिर वो ऑक्सीजन जो भी, मतलब सिर्फ फिशेस प्रेजेंट नहीं होती पानी में, और भी बहुत से एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो सारे फिर उस ऑक्सीजन को वहाँ से यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये एक चीज़ है कि कुछ डिफरेंसेस हैं। अब हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, या जो भी ज़मीन के ऊपर रहने वाले, मतलब जो खुश्क जगह पे रहने वाले एनिमल्स हैं, हम भी तो एनिमल ही हैं, एनिमल्स में ही आ जाएंगे। तो ये जो हम सारे हैं, हम लोग यूज़ करते हैं लंग्स, लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के थ्रू हम लोग मीन्स सांस ले रहे होते हैं, रेस्पायर करते हैं, ब्रीथिंग होती है हमारी। बट ये जो वो होती है ना, मीन्स एक्वेटिक पानी में रहने वाले जो जानदार होते हैं, वो लंग्स यूज़ नहीं करते, उनके पास गिल्स होती हैं, वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। अच्छा, प्लांट्स भी जो होते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं, मतलब वो भी सांस लेते हैं। प्लांट्स आपने देखा, आपको पता है ना कि प्लांट, किसी प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री पार्ट्स होते हैं। किसी प्लांट के लीव्स होते हैं एक्सटर्नली, थ्री पार्ट हमें नज़र आते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम होती है, और रूट्स होते हैं। रूट्स तो ज़मीन के अंदर होती हैं। तो ये जो लीव्स होते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे मतलब सुराख प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू ये गैस लेते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन गैस नहीं लेते, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मैंने आपको ये पहले बताया था कि प्लांट्स के लिए गैस अलग होती है, एनिमल्स के लिए अलग है। तो इन केस ऑफ प्लांट्स, जो गैस वो इनहेल करते हैं, जो गैस वो लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो उनकी लीव्स पे, उनकी स्टेम्स पे, और इवन उनकी जो रूट है, जो ज़मीन के अंदर का पार्ट है, उस पे भी छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको स्टोमेटा कहा जाता है, जिसके थ्रू वो जो होते हैं वो इनहेल करते हैं अपनी गैस, जो उनकी ज़रूरत की गैस है वो लेते हैं। अब होता ये है, हमारे पास जो मोस्टली ब्रीथिंग के लिए गैसेस यूज होती हैं, वो होती हैं दो। एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कहते हैं CO2, और एक होती है ऑक्सीजन, जिसे कहते हैं O2। हम जो ह्यूमन बींग्स, जिसमें आपको पहले ही बताया कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वो सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो ये थोड़े डिफरेंसेस हैं एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आज स्लाइड में आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लिविंग थिंग्स नीड वाटर। कोई भी लिविंग थिंग सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का बना होता है वो होता है पानी। पानी ऑलमोस्ट 70% कोई भी ऑर्गेनिज्म, ज़मीन पे जो भी लिविंग थिंग है, वो पानी का बना हुआ होता है। ठीक है, अब ज़मीन जो है वो तीन हिस्सों तक, तीन हिस्से जो हैं ज़मीन के, वो पानी के साथ कवर हैं। बाकी उसके अलावा जो एक पार्ट, एक हिस्सा बच जाता है, उस पे सिर्फ ज़मीन है, बाकी सारा का सारा पानी के साथ भरा हुआ। समंदर बहुत बड़ा है, जो ज़मीन में पानी मौजूद है उसका ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट जो होता है वो समंदरों में प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा पानी जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी या जो भी एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी ऑलमोस्ट 70% तक वाटर के साथ बनी होती हैं। ठीक है, अब ये जो वाटर है, ये हमारी हेल्प करता है, हमारी जब हम खाना खाते हैं, हम सिर्फ हम मुंह से खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना हमारी पूरी की पूरी बॉडी में मतलब मौजूद होता है, पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है। ये किसकी हेल्प से किया जाता है? ऑब्वियसली ये पानी की हेल्प से किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजेंशियल होता है पानी। पानी के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, खाने के बगैर हम कुछ अर्सा ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। और ये जो हमारी बॉडी जो होती है ना, उसको ज़रूरत होती है कि वो मॉइस्ट रहे, वो थोड़ी गीली रहे, और पानी का काम क्या होता है कि वो उसको गीला रखता है, तो डिहाइड्रेशन नहीं होती। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें, पानी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी, स्किन के लिए भी, तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। प्लांट्स, प्लांट्स कैसे पानी यूज़ करते हैं, इस चीज़ से बात कर लेते हैं। प्लांट्स एक्चुअली ये करते हैं कि वो, आपने कभी प्लांटिंग की, मतलब प्लांट लग आपके घर में, कोई प्लांटिंग में भी प्लांट्स होंगे, शायद हों प्लांट्स आपके घर, नहीं भी हैं तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स के नीचे जो सॉइल का पार्ट होता है, कोई भी अगर गमला है आपके पास, अगर आप उसमें, आप नीचे तरफ देखें तो उसमें सॉइल होती है। ठीक है, फिर जब उस सॉइल में आप वाटर डालते हैं,
पानी डालते हैं तो वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली जो प्लांट्स होते हैं ना, वो दो चीज़ें, वो अपना खाना, आपने देखा है प्लांट्स को हम लोग खाना नहीं देते, हम उनसे, हम प्लांट्स खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, ये सारे प्लांट्स हैं ना, हम उनको खाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स क्या खाते हैं? कभी सोचा है आपने कि प्लांट्स क्या खाते हैं? एक्चुअली जो प्लांट्स होते हैं ना, वो भी, उनको भी खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन प्लांट्स ये हैं कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, हमारी तरह दूसरों पे कंज्यूम, मतलब दूसरों पे डिपेंड नहीं करते खाने के लिए। अब देखिए, हम जो एनिमल्स भी खाते हैं, हम प्लांट्स को भी खाते हैं और अपनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये बेचारे प्लांट्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, ये अपना खाना भी खुद बनाते हैं, ठीक है। और ये आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं, ये जिस तरह ये खड़े होते हैं, तो ये भी उस पानी की ही वजह से होते हैं। अगर कभी सुन आप कभी आपने देखा है कि कुछ प्लांट्स होते हैं, वो मुरझा जाते हैं बेचारे पानी के बगैर। अगर कोई गमला हो जो बहुत दिनों से उसको पानी नहीं दिया गया, वाटरिंग उसकी नहीं की गई हो, तो वो एकदम से मुरझा जाता है, उसके पत्ते बिल्कुल से मुरझा जाते हैं, और फिर जैसे ही आप उसे पानी देते हैं तो उसके पत्ते फिर से खड़े हो जाते हैं, खिलखिला उठते हैं। बहुत ज़रूरी है, पानी के बगैर प्लांट भी ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। और प्लांट की ग्रोथ के लिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो है दूसरी, फर्स्ट पानी भी बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए, लेकिन साथ साथ सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है, सूरज की रोशनी, ये दोनों चीज़ें प्लांट्स के लिए बहुत इसेंशियल हैं। अगर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट ना हो ना, तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों प्रेजेंट ना हो तो प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकते, वो मर जाएंगे इन दोनों चीज़ों में, दोनों चीज़ों के बगैर। और इन दोनों में से अगर एक भी हो तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सूरज बहुत ज़्यादा हो और आप प्लांट को पानी नहीं दे रहे, तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। और फिर अगर आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और अगर सूरज की रोशनी नहीं है, तो फिर भी वो ज़िंदा नहीं रह सकता, वो मुरझा जाएगा और फिर आखिर मर ही जाएगा। अब स्लाइड में आप थर्ड टॉपिक की तरफ आ जाएं, लिविंग थिंग नीड फूड, नज़र आ रहा है आपको? अब बात कर लेते हैं कि लिविंग थिंग्स को ज़रूरत क्यों होती है फूड की, खाने की ज़रूरत क्यों होती है जिंदा रहने के लिए। हमारी बॉडी को, हम इतना सारा काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए हमें किस चीज़ ज़रूरत होती है? हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं ना, जब पढ़ाई करते हैं, घर का काम करते हैं, कोई और चीज़ करते हैं, गेमिंग करते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, आउटडोर बाहर घर के बाहर जाकर गेम्स खेलते हैं, तो हर चीज़ में हम क्या करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं। अब हमने एनर्जी यूज़ तो कर ली, अब ये एनर्जी हमें वापस कैसे आएगी? तो ये वापस आती है खाने के थ्रू, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करने से पहले ज़रूर खाना खा लिया करें, ताकि आपको बहुत एनर्जी मिल जाए। फूड जो होता है वो हमें एनर्जी देता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। पहले आप छोटे होते हैं, फिर आप, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, आपकी क्लास में भी होंगे, कुछ स्टूडेंट थोड़े से पतले पतले से होंगे बेचारे, छोटे छोटे लगते होंगे, कुछ माशाल्लाह हेल्दी होंगे, बड़े बड़े लगते होंगे। तो ये डिफरेंस ये होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो अच्छी हेल्थ, अच्छा खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, तो फिर उनकी हेल्थ अच्छी होती है, वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो मतलब ज़्यादा इतनी शौक से खाना नहीं खाते, तो वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, थोड़े वीक होते हैं, उनमें एनर्जी भी इतनी नहीं होती, इतना स्टैमिना भी नहीं होता, वो जल्दी से थक जाते हैं, थोड़ा पढ़ के थक जाएंगे, थोड़ा खा के थक जाए, थोड़ा खेल के थक जाएंगे। तो जितना आप ज़्यादा खाना खाएंगे, उतनी आप में अंदर, आप में, आपके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उतना ज़्यादा आपका स्टैमिना बढ़ेगा, ठीक है। और फिर यही कि आपकी जो बॉडी होती है उसको खाने की बहुत ज़रूरत होती है, किसी भी काम को करने के लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको खाने की ज़रूरत होती है। और हमारे मतलब जो बॉडी के जो कुछ, मतलब आपको पता है हमारी जो स्किन होती है ना, ये इसमें से हर टाइम, ये मैं आपको ये समझ, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं ना, हमारे एक कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर हम दूसरे चेंज करते हैं, इसी तरह हमारी ये जो बॉडी है ना, ये स्किन है, इसके ऊपर सेल्स होते हैं, एक सेल्स पुराने हो जाते हैं, फिर वो झड़ जाते हैं, फिर दूसरे सेल आते हैं। तो ये जो सारे प्रोसेस होते हैं ना, ये खाने के थ्रू ही होते हैं। आपकी बॉडी हेल्दी रहती है खाने के थ्रू, और अगर मतलब रिपेयर होती है आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की, आपकी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों की रिपेयरिंग होती है खाना अच्छा खाने की वजह से। और अगर आप फूड ठीक से नहीं ले रहे, तो फिर रिपेयर नहीं होती, मतलब आपके वो जो पार्ट्स हैं वो पुराने के पुराने रहते हैं। जिस तरह हम पानी नहीं देते ना प्लांट को, तो वो मुरझा जाता है, इसी तरह अगर आप खुद खाना वाना नहीं खाएंगे ना, पानी भी पीना चाहिए, खाना भी खाना चाहिए, अगर आप भी खाना नहीं खाएंगे, तो फिर आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी थोड़े से मुरझा जाएंगे और फिर डाई कर जाएंगे। तो इससे अच्छा है आप अच्छा सा खाना लें, अच्छे से पढ़ाई करें, और घर पर अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, लेक्चर्स को अच्छे से सुने।